धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपार रहमत का करिश्मा इस तरह बयान है जी। भैन उषा राणी की जवानी तुहानू ये करिश्मा सुना रहे हैं जी। भैन उषा राणी लिखती है, भैन उषा राणी इंसा पत्नी सचखंड वासी लोकनाथ इंसा पुत्र श्री ईश्वरदास पिंड बप्पा तहसील ते जिला सरसा तो आए हुए परम पूजनीय खजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपार दया मेहर का वर्णन करती हुई फरमाती है। गल 17 मार्च 2012 की है। कोटा राजस्थान विच सफाई महाअभियान ते सत्संग सी। उस समय मैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम की शाही कंटीन विच सेवा करती सी। मैं कंटीन वालियां भैणां नाल सफाई महाअभियान ते गई हुई सी। कोटा शहर विच सफाई महाअभियान तो अगले दिन पूजनिक गुरु जी ने उत्थे रूहानी सत्संग फरमाया। सत्संग सुन के असीं डेरा सच्चा सौदा कोटा आश्रम विच वापस आ गए। उस समय मेरे पिंड दी भैण शकुंतला इंसा मेरे नाल सी। उस दिन रात नूं रूबरू नाइट का प्रोग्राम सी। मेरे नाल वाली भैण शकुंतला इंसा ने मैनू कहा कि भैन जी आपां लंगर छक के रूबरू नाइट विच चलदे हाँ। असीं लंगर छकन लग पए। लंगर खाते समय मैनू छाती विच बहुत तेज दर्द होया जो कि अगे तो पिछे वाल दर्द इन्ना ज़्यादा सी कि लगता नहीं सी कि जान बच जाएगी। कंटीन की सेवादार भैन आग्या ने कहा कि उषा भैन नू नन्ना फरिश्ता हस्पताल विच दिखा देंदे हाँ। उस समय नन्ना फरिश्ता रूबरू नाइट विच ही सी। मैनू उत्थे लै के गए। उस समय सरसा दी 45 मैंबर आशा इंसा भी उत्थे सी। ओ मैनू वेख के घबरा गई। उसने अनाउंसमेंट करवा दिती कि पिंड बप्पा तो भैन उषा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हां दे नाल जेकर कोई आया है तो नन्ना फरिश्ता कोल जल्दी तो जल्दी पहुँचे। मेरे पति ने यह अनाउंसमेंट सुनी तो वह घबरा गए। उन्हां दे नाल साडे ब्लाक दे जिम्मेवार भाई हरिचंद इंसाज जो कि मेरे ही पिंड दे हन वह भी उत्थे पहुँच गए। उत्थे मौजूद दिल्ली दे 45 मैंबर आशा इंसा ने फटाफट डॉक्टरां दी टीम नूं बुलाया। डॉक्टरां ने चैकअप करन तों बाद मैनू मृतक ऐलान कर दिता। उत्थे मौजूद सेवादार हरिचंद इंसा जी ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लाया अते अपने सतगुर हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा दे चरणा विच भैन उषा इंसा नू प्राण बख्शन लई अरदास कीती ते सिमरन करना शुरू कर दिता। घट घट दी जनन हार घट घट दी जानन वाले सतगुर पूजने कजूर पिता जी ने रूबरू नाइट के दौरान फरमाया, प्यारी सत्संग जीओ संगत जिथे भी है उत्थे ही बैठ के 10 मिनट सिमरन करना है। उन्हां 10 मिनटों तो बाद मेरे सवास वापस आ गए। डॉक्टर ने हरिचंद नू नारा ला के कहा कि पिता जी ने भैन नू नवीं जिंदगी बख्श दिती है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक ते तंदुरुस्त हो गई। जदों मैनू होश आई तो भैणा ने मैनू पूछा कि आप जी नू की हो गया सी। मैं कहा कि मैं तो रूबरू नाइट का प्रोग्राम देख रही सी। दुनिया ले तो मैं मर गई सी पर सतगुर कुल मालक पिता जी ने मैनू रूबरू नाइट का प्रोग्राम दिखा रहे सन। जदों असीं सरसा दरबार विच आए अते पिता जी दे नाल
ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੇਟਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਓੜ ਨਿਭਾ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।